बीएचयू के पीएमएनआर स्टाफ को पिछले एक वर्ष से वेतन नहीं दिया जा रहा है। बीएचयू के पीएमएनआर स्टाफ को लगभग एक वर्ष से वेतन न मिलने से क्षुब्ध स्टाफ ने नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय सचिव अजय राय से मुलाकात की और समस्या के विषय में बताया। इस बाबत ममता सिंह ने बताया कि कोरोना काल में हम लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहे, लेकिन लगभग एक वर्ष से हमें वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी स्टाफ के समक्ष काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में पीएमओ कार्यालय, सीएमओ कार्यालय सहित सभी संबंधित स्थानों पर ज्ञापन दिया, परंतु इस ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या है, क्या मामला है, किस लिए आप लोग यहाँ? अभी मेरे पास ये मामला जो है करीब एक महीना पहले से आया था, संज्ञान में मेरे आया था कि कुछ बीएचयू के स्टाफ हैं पीएमआर प्रोजेक्ट के, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है प्रोजेक्ट, उसमें एक साल से इन स्टाफ को सैलरी नहीं मिली है, जिसके रिकॉर्डिंग जो है इन लोगों ने बहुत जगह प्रयास किया, कई जगह बात भी किया, बट अभी तक इनको सफलता नहीं मिली है। अब कहीं से संतुष्ट होने के लायक जवाब नहीं मिल पाया कि इनकी सैलरी क्यों नहीं आई है, नहीं आई तो क्यों नहीं आई है, और आएगी कब आएगी, रीज़न क्या है, उसके बारे में इन लोगों ने मुझे बता रहे थे। इन्होंने जो पत्र लिखा है वो मुख्यमंत्री को लिखा है, पीएमओ ऑफिस में दिया है, इसके बाद एनएचएम को दिया है, अपने डीन को दिया है, तो अभी तक कहीं से भी इनको कहीं से कोई जवाब नहीं आया है, कहीं से भी। सिर्फ एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इनके पास जवाब आया था, जिसका उन्होंने मुझे कॉपी अभी मिली है, इस पर लिखा है कि इस पर आगे कार्रवाई किया जाए। अब उसमें क्या लिखा है, जब मैं उसको पूरा पढ़ लूँगा तभी मैं बता पाऊँगा क्या लिखा है उसमें। इसमें जो भारत सरकार ये जो प्रोजेक्ट है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है हेल्थ पे इतना ज़्यादा काम कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है हमारा बीएचयू प्रशासन सोया हुआ है, जिससे कि हमारे स्टाफ, जितने स्टाफ हैं इस कोरोना काल में बड़े शिद्दत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में इन लोगों ने अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। सैलरी इनको क्यों नहीं आ रही है, कारण ये बता दें, और इसमें जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं सरकार से। पीएमआर डिवीज़न डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक बीएचयू में कार्यरत हूँ। हम पिछले 3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें हमें लगभग 2 साल की सैलरी मिली है, उसके बाद हमारी सैलरी लगभग 1 साल से रुकी हुई है। इसके लिए हमने संबंधित हर जगह पे हमने पत्रिका दी है, हर जगह पर जाके फॉलोअप किया है, चाहे वो बीएचयू हो, एनएचएम हो, सीएमओ ऑफिस हो, पीएमओ ऑफिस हो, या सीएम पोर्टल हो, हर जगह हमने पत्र दिया हुआ है, फॉलोअप भी किया, लेकिन हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तो आज अचानक एक कैजुअल मीटिंग में हमें प्रधानमंत्री विकास मिशन के राष्ट्रीय सचिव अजय राय जी आए थे, उनसे हमारी एक कैजुअल मीटिंग हुई, तो हमने उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए हमारी सहायता करेंगे। लगभग 1 साल हो गया सर, और हमारे 18 एम्प्लॉयज़ हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो झारखंड, बिहार, बाहर बाहर से आके रूम रेंट पे लेके यहाँ रह रहे हैं, लेकिन और हेल्थ वर्कर होते हुए, मतलब इस कोरोना काल में हेल्थ वर्कर होते हुए भी हमें सैलरी नहीं मिल रही है, ये कितना दुख वाली बात है सर, कि मतलब हेल्थ वर्कर होते हुए भी हम बिना सैलरी के 1 साल से काम कर रहे हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं जरा उनके बारे में सोचिए कि उनका जीवन अपन कैसे चल रहा है। तो कुछ अधिकारी थे जो अपना लेटर दिए, उस पर क्या कहें? किसी, हमने तो लेटर हर जगह दिया, हर संबंधित विभाग को हमने लेटर भेजा, मैंने जैसा मैंने आपको क्या मिला, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। जहाँ भी गए सिर्फ ये बोला गया ठीक है हम देखेंगे, ठीक है हम देखेंगे। पिछले 3 महीने से हम सबके पास दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, हमें कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला अब तक, किसी कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहा है, हर कोई एक दूसरे पे टाल दे रहा है। तो आपकी कोई मांगे नहीं होगी तो आप अगला क्या करेंगे? अब अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए आज एक कैजुअल मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री विकास मिशन के जो राष्ट्रीय सचिव हैं अजय राय जी, उनसे मुलाकात किया, तो अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है।